हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस पी किड्स जोन। आज हम सिलेबस फॉर क्लास LKG 2022-2023 देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या मटेरियल आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, जिसमें सबसे पहले आपको A to Z कैपिटल लेटर्स का रिवीजन कराना है, फिर उसके बाद A to Z स्मॉल लेटर का सिखाना है बच्चों को। दूसरे नंबर पे आता है आइडेंटिफिकेशन थ्रू पिक्चर, जैसे कि A for Apple। अब इसको बच्चों को किस तरीके से सिखा सकते हैं, तो देखिए हम कुछ इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। A for Apple, तो एप्पल की पिक्चर बना दी और बच्चों को बोलेंगे कि इसके सामने इसका फर्स्ट अल्फाबेट जो कि ए वो लिखिए, और B for Ball इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो बच्चों से लिखाएंगे कुछ इस तरीके से, देखिए। फिर आता है थर्ड नंबर पर मैच कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को मैच कराना ये बहुत ही अच्छा तरीका, जिससे बच्चों को बहुत जल्दी पहचान होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने शीट बनाई है, ये आप देख सकते हैं। कैपिटल ए स्मॉल दोनों को मैच किया गया है, फिर है टी कैपिटल टी स्मॉल। फिर आते हैं बॉबल एंड कंसोनेंट, जिसमें आपको सबसे पहले बच्चों को 5 बॉबल्स की जानकारी देनी है, जो होते हैं AEIOU और द रेस्ट ऑफ कंसोनेंट, उनके बारे में बताना है। फिर आपको आर्टिकल ए और एन का यूज़ कराना है और उसको समझाना है कि कैसे ए और एन का यूज़ होता है। फिर आते हैं लेटर साउंड A and B। सी A to Z आपको A for A, B for B, इस तरीके से आपको साउंड्स की पहचान करानी है। फिर आते हैं राइमिंग वर्ड्स। ये बच्चों को राइमिंग वर्ड्स सीखने में बहुत मज़ा भी आता है, जैसे कि सन बन पिन टिन हे डे, देखा आपने कितना अच्छा है। ऑपोजिट वर्ड्स, एटलीस्ट 20 बच्चों को ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं, जैसे कि कम बैक। फिर बारी आती है दिस डैट, यूज़ ऑफ दिस डैट, उसके बारे में आपको बताना है कि दिस कहाँ लगाया जाता है और दैट कहाँ लगाया जाता है, सेंटेंस कैसे पूरा किया जाता है। फिर आते हैं फोनिक साउंड, इन पिन टिन, वो आपको बच्चों को सिखाना है। और इसी के साथ ये पूरा सिलेबस इंग्लिश का 2022-2023 कम्प्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।